भारत में मौजूद OTT प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट में से एक प्लेटफॉर्म कम हो गया है। हांगकांग की वीडियो ऑन डिमांड सर्विस VIU ने भारत में अपनी सर्विसेज बंद करने का फैसला किया है। भारत में VIU पर वीडियोस देखने वाले दर्शकों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल हांगकांग की मीडिया कंपनी PCCW ने अपने OTT प्लेटफॉर्म VIU की सर्विस को भारत में बंद करने का ऐलान किया है। VIU को भारत में साल 2016 में लॉन्च किया गया था। फिलहाल भारत में करीब 30 OTT प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिसमें से VIU सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट में 13 नंबर पर है। कंपनी का कहना है कि भारत एक चुनौतीपूर्ण मार्केट है, जहां नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स के बीच कड़ी टक्कर है, जो भारत में अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाने के लिए काफी खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी भारत में इनके जितने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ऐसे में कंपनी भारत में अपनी सर्विसेज बंद करके उन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहती है जहां VIU टॉप 5 में शामिल है। फिलहाल VIU हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड को मिलाकर कुल 17 देशों में उपलब्ध है। ललिता कश्यप, गो न्यूज़।